गया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे दुनिया। अस्सलामुअलैकुम, आप जैसे कि स्क्रीन पर वीडियो देख ही रहोगे, इस तरह का वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो, तो हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं। तो इस तरह का वीडियो हम काइनमास्टर एप्लीकेशन से बनाने वाले हैं। तो आप भी काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर उसको ओपन कर लीजिएगा। तो मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेती हूँ। तो काइनमास्टर ओपन हो चुका है। प्लस के आइकन पर क्लिक करके असिस्टेंट रेशियो 9 के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड में वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। लेयर के ऑप्शन पर जाकर, वीडियो के ऑप्शन पर जाकर यहाँ अपनी इमेज सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, इमेज को कुछ इस तरह से रोटेट कर इसको छोटा कर और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। ओके, अब सेकंड इमेज को भी सिलेक्ट कर लेनी है, तो आप कर लीजिएगा। तो सेकंड इमेज को भी इस तरह से रोटेट करना है और इसको भी छोटा कर देना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है इसके नीचे। ओके, अब थर्ड इमेज को भी हम जो है एडजस्ट करेंगे। ठीक, इसको हम अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं। तो फिर लेयर के ऑप्शन पर जाकर, वीडियो के ऑप्शन पर जाकर यहाँ पर थर्ड इमेज को भी अपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से सिलेक्ट कीजिएगा और इस तरह से ही एडजस्ट कर लीजिएगा। अब फर्स्ट वाली इमेज जो है, मैं उसे ही डुप्लीट करके नीचे की ओर एडजस्ट कर देती हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा मैं बड़ा कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो अब कैप्चर के ऑप्शन पर जाकर इसको कैप्चर एंड सेव पर क्लिक कर इसको कैप्चर कर लेना है। बैक आकर प्लस के आइकन पर क्लिक कर 1x1 रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड में वाइट कलर फिर से सिलेक्ट कर लेना है और इसकी लेयर को बढ़ा देनी है। लेयर के ऑप्शन पर जाकर, वीडियो के ऑप्शन पर जाकर आप टेम्पलेट को इनपुट कर लेना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ इसको इनपुट कर दीजिएगा। ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर जाकर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब जो सी इमेज हमने अभी कैप्चर की थी उसको यहाँ इनपुट कर लेना है और सेंड टू बैक कर देना है 3 डॉट्स पर जाकर। ठीक है, और इस तरह से इसको बढ़ा देना है। ओके, इस तरह से बढ़ाकर कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट करना है। ठीक, यहाँ पे इसे अच्छे से एडजस्ट कीजिएगा ताकि ये अच्छे से लगा, अच्छा लगे बहुत। और इसकी लेयर को भी हम बढ़ा देते हैं। ओके, तो आप भी बढ़ा लीजिएगा लेयर को बढ़ाकर। ओके, कुछ इस तरह से कर देना है। अब चाबी के आइकन पर क्लिक करना है और लास्ट पोजीशन पर आ जाना है कुछ इस तरह से, और प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है और कुछ ऊपर की ओर स्लाइड करना है, तब तक जब तक नीचे वाला ऊपर नहीं आ जाता, कुछ इस तरह से। ठीक, ऐसे स्लाइड करना है। अब इस वीडियो को जो है मैं प्ले कर दिखाती हूँ, तो ये वीडियो कुछ इस तरह से बनकर आई है जो कि बहुत अच्छी लग रही है। तो अब इस वीडियो को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो आप भी एक्सपोर्ट कर लीजिएगा। फुल स्क्रीन फुल HD में इसको एक्सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।